ओके हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और फिर से एक्चुअली आप लोगों ने बहुत सारी कमेंट्स कर दी और हमने उस कमेंट के ज़रिए यामाहा को मजबूर कर दिया हमें ये ब्यूटी देने के लिए। तो हमारे साथ है R15 V3 जो कि मैंने राइड की है बड़े लंबे रूट पे, बहुत ही अच्छे से मज़ा आ गया वैसे राइड करके। और सेकंड है ये वाली V2 आई गेस, बट ये बाइक और इस बाइक में क्या फ़र्क है वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो ज़्यादा डिटेल्स टेक्निकल मेरे पास भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ यामाहा के टेक्निकल हेड को। दीक्षित भाई प्लीज़ आइए। तो ये है दीक्षित भाई जो हमारी हेल्प करेंगे जानने में कि पुराने मॉडल में और नए मॉडल में डिफरेंस क्या है। पहला बेसिक मुझे डिफरेंस लगा टायर्स में, क्योंकि इसमें 90 का टायर है पीछे और आगे है 130 का, जो इसमें साइज इसकी बढ़ा दी है। इसमें आगे आपको 100 मिलने वाला है और पीछे 140 का टायर है। इसके अलावा क्या चेंजेस हैं इन दोनों बाइक्स में? पर्टिकुलर दोनों बीच करेंगे तो स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन अगर सीसी की बात करने जाओ तो जो पुराना R15 है जो V2.0 वो 149.8 सीसी में आ रहा है, और जो नया लेटेस्ट R15 है वो फिलहाल 155 सीसी में आ रहा है। ओके, सो इंजन की सीसी बढ़ गई है तो 155 है, तो उसके हिसाब से क्या इंजन पावर में भी फर्क पड़ेगा? तो डिफरेंस पड़ा है, V2.0 वो 17 PS पावर आता था, जो V3.0 जो अभी लेटेस्ट में आ रहा है वो 19.3 PS पावर है, जिसके हिसाब से पावर पे भी मिलेगा, प्लस उसके अलावा राइडिंग पोजिशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, सो अगर बात कर रहे हैं राइडिंग पोजीशन की, तो मैंने ये बाइक डिटेल में चलाया, बड़े अच्छे अच्छे रोड्स पे चलाया, हाईवे पे भी चलाया, मैंने ऑफ रोड में भी चलाया, और मैंने पूरा निचोड़ा है इसको कि कहाँ पे आपको किस तरह का कंफर्ट देगा। राइडिंग की बात बाद में करते हैं, पहले बाइक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे फिर से एक बार आते हैं। ओके दीक्षित भाई, तो एक और चीज़ मुझे ये बताइए कि इस बाइक में जो पहले वाला जो V2 था उसमें मीटर में और इसके मीटर में मुझे बहुत डिफरेंस लग रहा है, तो क्या है डिफरेंस? एक्चुअली पहले वाला जो V2.0 अपना कंटिन्यू है उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा डिजिटल था, थोड़ा एनालॉग था, और अभी जो V3.0 आया हुआ उसमें फुली डिजिटल मीटर दिया हुआ है। वाह, ओके। एंड सेकंड चीज़ ये थी कि एक बेसिक सी नीड होती है हर एक राइडर की अपनी स्पोर्ट्स बाइक के लिए, अपनी क्रूजर बाइक के लिए, किसी भी सेगमेंट की बाइक के लिए, कि इंडिया में ABS वर्जन आ जाए, तो इसमें ABS नहीं है शायद, तो क्या प्लानिंग है? फिलहाल हम लोगों ने नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज़ आ सकता है। ओके ग्रेट, और क्या प्राइस होगी अप्रोक्स इस बाइक की? ये आपको कंप्लीट ऑन रोड अगर आप देना चाहते हो तो 146,612। ओके, और इसमें इसकी प्राइस क्या होगी? 138,047। ठीक है, सो और ओवरऑल 15,000 का डिफरेंस इन दोनों में है। ओके, और सेकंड चीज़ ये थी कि इसका वेट क्या होगा? R15 V3.0 का वेट 139 kg है और इसका 136 kg, वेट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके सर जी, तो मुझे इसकी जो लाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह की लाइट इसमें दी गई है? इसके अंदर जो हेडलाइट अपना ने दिया हुआ है वो LED हेडलाइट्स है। ओके, तो अपना जो सिंगल पहले R15 V2.0 था उसके अंदर रेगुलर अपना ने हैलोजन बल्ब दिया था, इसके अंदर LED हेडलाइट्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपको विजन क्लियर मिलेगा और नाइट विजन में आपका ड्राइविंग कंफर्टेबल और सेफली होगा। ओके, तो LED की वजह से बैटरी कंजप्शन भी बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, सेकंड चीज़ इसकी डिस्क ब्रेक्स में इसमें बेबी की डिस्क ब्रेक ही दी गई है, बट साइज ओवरऑल क्या होगी इसकी? 282 mm के डिस्क ब्रेक है फ्रंट। ओके, और पीछे की बात करें तो 220 mm है। ओके, सो ये कितना डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स में? दोनों बाइक्स में अगर देखने जाओ तो 6 से 8 mm का डिस्प्ले का डिफरेंस है। ओके फाइन, और एक और चीज़ जो हमने नोटिस की थी, इसके स्लीपर क्लच के अलावा भी अगर इसकी फ्रेम की बात करें तो इसमें कुछ अलग फ्रेम है या फिर सेम फ्रेम दी गई है? R15 V2.0 में था सेम वही फ्रेम है डेटा बॉक्स। ओके, सो सेम फ्रेम इसमें ही दी गई है। ओके, एंड स्लीपर क्लच है बाइक में और पावर भी बहुत ही अच्छा है, तो ओवरऑल दिस बाइक इज रियली गुड। सो गाइस, टैंक की अगर हम लोग बात करें टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको 11 लीटर्स का टैंक मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, और एवरेज के लिए अभी तक कोई भी फिगर हमारे पास नहीं आई है। फिर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बाइक चला रहे हो, नॉर्मली वही होता है, बट अगर आप में से किसी के पास बाइक आ जाए और अगर आप चला लो और एवरेज निकाल लो तो प्लीज़ हमें मैसेज करें और हमारे पास पहले आती है तो हम आपको बता देंगे। ओके, एक और एडवांस फीचर जो इस बाइक में आपको मिलेगा, 150 सेगमेंट की एक लौती ऐसी बाइक है जिसमें ये आपको एडवांटेज मिलने वाला है, वो है स्लीपर क्लच। स्लीपर क्लच बेसिकली इस तरह की चीज़ होती है कि अगर आप कहीं ट्रैक पे बाइक चला रहे हो, रेसिंग ट्रैक पे या कहीं भी बाइक चला रहे हो, अगर आप हार्ड डाउन शिफ्ट करते हो तो बाइक पीछे का टायर जो होता है वो स्लिप होता है या फिर अनबैलेंस होती है बाइक, तो स्लीपर क्लच की वजह से वो अनबैलेंसिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो गाइस, स्लीपर क्लच की वजह से आपकी बाइक अनबैलेंस नहीं होगी, स्लिप नहीं होगी और व्हील लॉक नहीं होगा, तो आप स्लिप नहीं हो पाओगे और गिरोगे नहीं। सो स्लीपर क्लच बहुत ही काम की चीज़ है, जैसे ABS काम की चीज़ होती है वैसे स्लीपर क्लच है। और अभी एक और चीज़ है जो इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो चीज़ है एग्जॉस्ट डेटोना किट। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। एग्जॉस्ट और डेटोना किट के जो हमने पर्टिकुलर वो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में बाइक आना शुरू हो जाएगा आपको डेटोना किट भी इसके अंदर अवेलेबल मिलेगा। तो वो डेटोना किट आप शोरूम में स्टॉक में ही बाइक में देने वाले हो या अलग से परचेस करना पड़ेगा? नहीं, वो अलग से है, वो बाइक के अंदर इंक्लूड नहीं है। ओके, सो अगर डिमांड है। ओके, सो एक ये भी कमेंट हमारे वीडियो पे आई थी लास्ट वीडियो पे कि डेटोना किट का क्या सीन है, तो डेटोना किट का सीन ये है कि अगर आपको डेटोना किट बाइक में चाहिए
तो उसका अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा। बट डेटोना किट इज वर्थ फॉर योर बाइक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, तो मज़ा आएगा डेटोना किट लगा के। ओके गाइस, तो मुद्दे की बात ये थी कि ये बाइक चलाने में कैसा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दिस इज़ द फुल्ली एग्रेसिव स्पोर्ट्स बाइक। वैसे काफ़ी चलाने में मज़ा आएगा आपको, पावर रेशियो भी बहुत ही बढ़िया है, मस्त थ्रॉटल भी हो रही है बाइक। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको मिसिंग मिलेगा कि इस बाइक को आप एग्रेसिवली हाईवे पे बड़ा अच्छे से चला पाओगे, अच्छी पावर में चला पाओगे, बिल्कुल भी विंड ब्लास्ट आपको नहीं लगेगा। पर कहीं अगर बात आती है सिटी राइड की, तो आपके कोर आर्म्स बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। बट स्टिल हार्डकोर राइडर्स के लिए ये बहुत ही आइडियल बाइक है। अगर कोई यामाहा R15 का पहले से फ़ैन है या फिर यामाहा R1 का फ़ैन है, तो ये R1 का बेबी वर्जन ही है, इसे कह सकते हैं। राइडिंग पोजीशन बहुत ही डीप है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। एज यू कैन सी, मैं बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रहा हूँ। सो एज़ यू कैन सी द सिटिंग पोजिशन इज़ वेरी डाउन, तो आपको इसे चलाने में पावर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, विंड ब्लास्ट नहीं मिलेगा, तो आपकी पावर ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें वही बेसिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, तो आपको कंफर्ट वैसे तो मिलने वाला है, बट हाईवे पे ज़्यादा कंफर्ट ये आपको फील करवाएगी। ओवरऑल बाइक इज़ गुड, अगर आप R15 के फ़ैन हो तो ये आपके लिए आइडल बाइक है, बहुत ही मज़ेदार है। लुक्स की बात करें तो सीधा सीधा ये अपने दादाजी R15 R1M से ही डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। सो दिस इज द ओवरऑल R15 वर्जन 3। ओके गाइस, तो फाइनली ये था R15 वर्जन 3 का रिव्यू और कंपैरिजन बिटवीन वर्जन 2 एंड वर्जन 3। एक और पॉइंट इसमें रह गया इफेक्ट बोलना, वो पार्ट बताएगा या सर बताएंगे कि ये बाइक मिलना है, मिलेगी अभी कि नहीं? हाँ, मिलेगी अभी। फिलहाल जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबिलिटी है उसके अंदर 20-25 डेज का वेटिंग चला है इसके अंदर। लेकिन अगर आप वर्जन 3.0 के अंदर पर्टिकुलरली अगर आप ये बाइक परचेस करना चाहते हो, तो आपको एडवांस में बुकिंग इसके करवाने पड़ेंगे। और ये वाला कंटिन्यू वर्जन 2 कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू हो गया? नहीं, वर्जन 2 कंटिन्यू है, उसके अंदर फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है। कोई चेंजेस नहीं, वो कंटिन्यू ही, तो वो मिलता ही रहेगा। ओके, तो गाइस लास्ट में हमको कमेंट किया था एक ने कि वर्जन 2 कंटिन्यू रहेगा या डिसकंटिन्यू, तो आपको उसका जवाब मिल गया होगा। ये वर्जन 2 भी कंटिन्यू है, वर्जन 3 भी साथ ही साथ में बिकेगा, इसमें वेटिंग है। तो अगर जिन्हें लेनी है जल्दी से बुक करें और एंजॉय करें, और बुकिंग एड्रेस डिटेल्स सारी सब आपको मिल जाएगा, या तो वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। विद दैट सेड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। कोई डिटेल अगर मिसिंग है आपको, अगर और कुछ भी जानना है इस बाइक के बारे में, प्लीज़ कमेंट करना। कमेंट कीजिए, कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। हमारा मेल एड्रेस आपको पता है, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएगा। आप मेल कीजिए हमें, इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, इंस्टाग्राम का ID भी आपको मिल जाएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको आप एनी टाइम प्रोवाइड करेंगे। हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन पहले मिले, जो भी नया वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पहले देख पाएँ। और ये पहले कैमरे के पीछे था, अब मैं पीछे था, अब मैं आगे आ गया हूँ। ओके ठीक है। ओके गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, बड़ी मेहनत लगती है यार, लाइक कर दो। आज तो भाई सुबह से घूम रहे लोकेशन के लिए, फाइनली हमें मिला। हम बताएंगे बाद में, बहुत दिक्कत हुई है आज तो, खाली शूटिंग की लोकेशन के लिए कुछ जगह पे पसीना निकल गया। वेल थैंक्स टू हिम जो आए हमारे साथ में इतना दूर रिव्यू के लिए, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, काफ़ी चीज़ें हमें नहीं पता होती वो इन्होंने दी हमें, तो थैंक यू सो मच भाई के आने के लिए हमारे साथ में और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ओके गाइस, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहे हमारा चैनल, सपोर्ट करते रहे हमें, शेयर करें, लाइक करें, सब कुछ करें और सब्सक्राइब और चैनल सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय।